सभी विद्यार्थियों को हिंदी सर का नमस्कार। आज हम देखेंगे ग्रामर व्याकरण भाग में लिंग। लिंग को इंग्लिश में जेंडर कहते हैं और इंग्लिश में जेंडर कहते हैं और हिंदी में या कन्नड़ में या आदि भाषाओं में लिंग कहकर हम उसका उच्चारण करते हैं। आज हम लिंग किसे कहते हैं, लिंग के बारे में हम थोड़ा बहुत देखेंगे। लिंग की व्याख्या इस तरह है, यानी कि डेफिनेशन बोलते हैं इंग्लिश में उसको, यानी कि जिस वाक्य में संज्ञा के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री जाति के होने का उच्चारण होता है, स्त्री पुरुष या स्त्री जाति का उच्चारण होता है उसे लिंग कहते हैं। और एक बात हम दोहराते हैं, जिस वाक्य में संज्ञा के जिस वाक्य में संज्ञा के जिस रूप से पुरुष जाति या स्त्री जाति का उच्चारण होता है उसे लिंग कहते हैं। और एक व्याख्या है बहुत सरल, जिस वाक्य में संज्ञा के पुरुषत्व या स्त्रीत्व जाति का उच्चारण होता है उसे लिंग कहते हैं। अब टाइप्स ऑफ जेंडर होते हैं, यानी कि लिंग के प्रकार। लिंग के प्रकार दो माने जाते हैं, यानी कि कुछ भाषा में लिंग के प्रकार तीन माने जाते हैं और कुछ भाषा में इंग्लिश में चार माने जाते हैं, कन्नड़ में तीन माने जाते हैं, लेकिन हमारे हिंदी में कितने, दो ही माने जाते हैं। यानी कि कन्नड़ में पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग बोलकर कहते हैं, हमारे यहाँ हिंदी में दो ही का ही उच्चारण हो चुका है, एक है पुल्लिंग दूसरा स्त्रीलिंग, यानी कि लिंग के प्रकार कितने हैं, दो माने जाते हैं। कन्नड़ में तीन माने जाते हैं और हमारे हिंदी में दो ही माने जाते हैं, नंबर एक है पुल्लिंग, नंबर दो है स्त्रीलिंग। अब हम एक एक का लिंग के बारे में एक एक करके हम लेंगे। फर्स्ट में हम पहले में देखेंगे पुल्लिंग। पुल्लिंग किसे कहते हैं, पुल्लिंग की व्याख्या क्या है, इसके बारे में हम देखेंगे। यानी पुल्लिंग की व्याख्या इस तरह है कि जिस वाक्य में संज्ञा के पुरुषत्व का उच्चारण होता है, पुरुषत्व बोले तो खाली पुरुष जाति का, जिस वाक्य में संज्ञा के पुरुष जाति का उच्चारण होता है, पुरुष भी बोलते हैं, पुरुष भी बोलते हैं या पुरुषत्व जाति का भी उच्चारण किया जाता है उसे क्या कहते हैं जी, उसे यानी कि जो पुल्लिंग, यानी जो उसमें पुल्लिंग ही नाम पद आना चाहिए, उसमें पुल्लिंग का ही उच्चारण होना चाहिए, वहां पर कोई स्त्री जाति का उच्चारण नहीं होना चाहिए। आप जैसे कि पुल्लिंग में बोले तो पुल्लिंग का ही मतलब क्या है, पिता,
चाचा, नाना, दादा, दादा और भाई, इसमें क्या आता है? आदि, इसमें नाम आ जाते हैं। यानी कि जैसे कि आप पुरुष का जी जाके कहीं उच्चारण हो, पुरुष आप पर महिला का नाम लेने मिला है, तो चाहिए ना कमल, इस तरह जो भी। अब देखिए, पिता पुरुष जाति का, चाचा पुरुष जाति, नाना पुरुष जाति, दादा पुरुष जाति, भाई पुरुष जाति। यानी पुरुष जाति का ही जो उच्चारण होता है, यानी पुरुष तो जाति का या पुरुष जाति का उच्चारण होता है, उसे पुरुष कहते हैं। फिर आज हम दूसरा देखिए, दूसरा जो है स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग के बारे में हम देखेंगे, यानी कि जिस वाक्य में संज्ञा की, आप देखिए स्त्रीलिंग किसे कहते हैं, स्त्रीलिंग किसे कहते हैं, जिस वाक्य में संज्ञा के स्त्रीत्व या स्त्री जाति का, स्त्रीत्व या स्त्री जाति का उच्चारण होता है, स्त्री जाति का उच्चारण होता है, उसे क्या कहते हैं जी, स्त्रीलिंग कहते हैं। और हम कहते हैं जिस वाक्य में संज्ञा के स्त्रीत्व या स्त्री जाति का उच्चारण होता है, उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर के ऊपर माता, बहन, दादी, मौसी, नानी, बहन, ये जो स्त्री जाति में आता है, यानी कि स्त्री तो कहीं उच्चारण हो चुका है, स्त्री जाति का ही उच्चारण हो चुका है, और स्त्री जाति में उच्चारण होने की वजह क्या हो चाहिए जी, वहां पर स्त्रीलिंग होता है। और उसके उदाहरण माता, बहन, दादी, मौसी, नानी, बहन आदि, इसमें क्या है जी, आदि हम शब्द क्या करें जी, डाल सकते हैं। यानी कि केवल स्त्री जाति का ही क्या होना चाहिए यहाँ पर, नाम पद का उच्चारण होना चाहिए, और नाम पद का उच्चारण होने के बाद क्या होना चाहिए वहां पर, जो स्त्री जाति यानी स्त्रीलिंग निर्माण होता है, बोलकर यहाँ पर कहते हैं। धन्यवाद।